जीडीए के द्वारा बनाए गए महायोजना 2031 पर नागरिकों के द्वारा आपत्ति व सुझाव देने का कार्य शुरू हुआ, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि महायोजना 2031 को देखने के लिए जीडीए के द्वितीय तल स्थित संयुक्त नियोजक कार्यालय में प्रदर्शनी लगाया गया है। कोई भी नागरिक महायोजना का अवलोकन कर सकता है और अपना आपत्ति व सुझाव वहीं पर दे सकता है, जिसकी आखिरी तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। इसके अलावा कोई भी नागरिक महायोजना को जीडीए के वेबसाइट पर भी देख सकता है। आपत्तियों और सुझाव के आधार पर जीडीए उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में बनी कमेटी महायोजना में संशोधन करेगी, उसके बाद दोबारा महायोजना को बोर्ड में रखकर पास कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जो गोरखपुर की महायोजना है ये कंसल्टेंट द्वारा तैयार की गई है और उसको पब्लिश किया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और यहाँ पे भी उसका प्रदर्शनी लगाया गया है। इसमें आपत्ति सुनवाई शुरू हुई है, जैसे अगर किसी को कोई सुझाव देना है, आपत्ति देना है तो वो दे सकता है। इसकी प्रक्रिया कल से शुरू की गई है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो अपना इसमें सुझाव दे रहे हैं। इन सारे सुझावों को लेके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इनको कंपाइल करके उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसको पुनः बोर्ड में रखा जाएगा, तो उसके बाद बोर्ड ये अप्रूव करेगा, तब जाके ये लागू होगी। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से यही निवेदन है कि महायोजना बनाने में आप अपना सहयोग करें, आप अपना सुझाव अवश्य दें, क्योंकि अभी जो महायोजना है वो सभी विभागों का जो सुझाव है उसके हिसाब से बनाया गया है। जो पब्लिक का सुझाव होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस शहर के लिए, तो आप अपना सुझाव दें और इसको और अच्छा बनाएं। सर क्या प्रोसेस है, किस तरह से? जिसको भी सुझाव देना होगा वो गोरखपुर विकास प्राधिकरण में द्वितीय तल है, सेकेंड फ्लोर पे टाउन प्लानर साहब का ऑफिस है, वहाँ पे एक चिट्ठी के माध्यम से, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट लगाना है तो लगा के अपना सुझाव दे सकता है।